फ्रेंड्स वेलकम टू डोंट नो डॉक्टर वंस अगेन, होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। तो काफ़ी लोग, मैंने पिछला वीडियो बनाया था फ्रेंड्स कि ड्रोन यूएस में बैन हो गए हैं DGI के। तो मैंने बताया था कि ड्रोन बैन हो गए हैं, ब्लैकलिस्ट हो गया DGI USA में फॉर द मिलिट्री रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस। तो काफ़ी लोगों ने उस पर कहा कि भाई ये झूठी खबर है, मैं झूठी खबर क्यों लगाऊंगा भाई, DGI मेरा मामा या ताया लगता नहीं जिसकी मुझे कुछ फ़ायदा होना या मुझे नुकसान होना उसको फंसा के। मैं आपको एक जेन्युइन न्यूज़ दे रहा हूँ, सबसे नंबर वन जो रिपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में रॉयटर्स, ठीक है, रॉयटर्स की ही वो खबर है, वो मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहाँ जाके पढ़ो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि DGI को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है US की गवर्नमेंट की तरफ से, रीज़न भी दिया हुआ है, रीज़न वही है मिलिट्री रीजंस का। और DGI ने इन रिस्पॉन्स में जस्टिफिकेशन भी दिया है कि हम मिलिट्री लेवल पे या मिलिट्री को लेके ऐसा कोई ड्रोन का नहीं करते हैं मैन्युफैक्चर, या हमारे ड्रोन्स मिलिट्री के हिसाब से कोई डाटा नहीं उठाते, या मतलब उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन भी दी है। मतलब फालतू के डॉक्यूमेंट हम नहीं बनाते। रॉयटर्स ने ये मेंशन किया हुआ है अपने रिपोर्ट में कि जी हाँ वो ब्लैकलिस्ट हो गए हैं मिलिट्री रीजंस की वजह से। तो दैट इज़ अ जेन्युइन न्यूज़, और मुझे कोई वो व्यूज़ खाने का वो नहीं है कि मैं फालतू के व्यूज़ के लिए झूठी खबरें दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ जो कमेंट्स कर रहे थे उन्हीं के लिए वीडियो में बनाया। वैसे मेरी ऑडियंस काफ़ी ट्रस्ट करती है, ट्रस्टवर्दी ऑडियंस, और मैं भी उनका ट्रस्ट का पूरा ध्यान रखता हूँ, तो ऐसी फालतू खबरें मैं डालता नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए शॉर्ट वीडियो बनाया था इन रिप्लाई टू दोज हु आर कमेंटिंग नेगेटिवली। थैंक यू।